नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में वृहद स्तर पर निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत इन्वेस्टर मीट 2023 से संबंधित विचार गोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि MLC विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनपद में अपार निवेश की संभावना है। जनपद आजमगढ़ ने प्रत्येक क्षेत्र में नाम कमाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेश क्षेत्र में इन्वेस्टर समिट की जा रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि अब तक लगभग 2000 करोड़ के निवेश के AOM पर साइन हुआ है, उनमें से कुछ माइक्रो एंटरप्राइजेज एवं कुछ बड़ी कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि 178 इंटेंट का साइन हुआ है। यदि यह निवेश धरातल पर उतर आएगा तो लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने में सफल होगा। आजमगढ़ में विशेष रूप से पूरे प्रदेश में निवेशकों की जो सबसे बड़ी अपेक्षा है, उनमें सबसे प्रमुख सुरक्षा व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि अब आजमगढ़ से लखनऊ, दिल्ली व अन्य प्रमुख स्थलों पर माल पहुँचाने एवं लाने के लिए आजमगढ़ वासी इसका उपयोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कर रहे हैं। जनपद के अगल बगल 4-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। निवेशक यहां आने जाने के लिए देश एवं विदेश के लोग प्रयोग कर रहे हैं। आवागमन के साधन में वृद्धि होने के से जनपद में ये विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी उनके इंटेंट को धरातल पर उतार कर आजमगढ़ का विकास कराएंगे। और इंटेंट कि वे जनपद में निवेश करेंगे, इस आशय की सूचना हमें दी है और उनका आज उनके बीच हम लोगों का जो MOU होता है वो आज हुआ है। और इनके द्वारा लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रस्तावित है और इस प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। किस तरह से सर इसको लेकर यहाँ पे लोगों का विकास होगा, हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित है ये विभिन्न क्षेत्रों में है। कृषि का क्षेत्र है, पशुपालन, सोलर एनर्जी का है, अन्य भी तमाम क्षेत्र हैं जहाँ निवेश होगा। अगर निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से जनपद के जो आर्थिक विकास में भी सहयोग मिलेगा। सर बैंकों में समस्याएं आती हैं लोन के लिए और तमाम बैंकों के साथ आज LDM भी थे तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से निवेशकों को अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना है तो यदि जो अपेक्षित प्रक्रिया है और अपेक्षित जो DPR है वे प्रस्तुत होंगे तो उनमें बैंकों का पूरा सहयोग रहेगा, ये आश्वासन उन्होंने आज दिया। ये केस टू केस हम लोग देखते हैं, जहाँ कोई समस्या होती है, कुछ अभिलेख अतिरिक्त वांछित होते हैं तो वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।